सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। तो M51S के सारे स्पेक्स सामने आ चुके हैं। तो सैमसंग M51 में अब तक का M सीरीज का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M51 स्मार्टफोन के बारे में, और साथ ही में जानेंगे इस फोन में क्या कुछ देखने को मिलेगा और इंडिया में किस प्राइस के साथ और कब तक लॉन्च होगा। दोस्तों, अभी सैमसंग ने गैलेक्सी M31S को भी लॉन्च किया था, जो कि एक अच्छा स्मार्टफोन है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और स्मार्ट कैमरा देखने को मिला था। लेकिन इसमें एक्जिनोस का प्रोसेसर देखने को ही मिला था हमें। यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 में एक इम्प्रूवमेंट किया है और इसमें आपको एक स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको इसमें एक पंच कटआउट होल में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, जो इसको और भी प्रीमियम लुक देता है। वही इसके बैक में क्वाड कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5.5 का माइक्रो और डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैमरे के डिपार्टमेंट में सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें आपको सेम ही कैमरा देखने को मिला है जो सैमसंग गैलेक्सी M31S में भी हमें देखने को मिला था। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में एक 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। और सैमसंग की सुपर एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी कमाल की डिस्प्ले होती है। और इस स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो एक फुल HD प्लस रेजुलेशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी। वहीं हम बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। सैमसंग गैलेक्सी M51 में कंफर्म हो चुका है, बल्कि एक्जिनोस की जगह यहाँ पे हमें क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। साथ ही में ये दो वेरियंट में आएगा, जो कि 6GB और 8GB रैम वेरियंट में होंगे। इस फोन में 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपको परफॉर्मेंस इसमें एक्जिनोस के मुकाबले आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 की बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 7000mAh की बड़ी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ आने वाला है, जहां इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है बैटरी डिपार्टमेंट में। तो नो डाउट इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अगर हम बात कर ले फाइनली प्राइस और लॉन्च डेट की, दोस्तों इसकी प्राइस 23,000 से 25,000 के बीच में होगी और ये इंडिया में 10 सितंबर को लॉन्च होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।